और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के होशंगाबाद जिले का नाम बदलने का ऐलान किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की सीएम की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शनिवार को दिग्विजय सिंह ने कहा कि नाम बदलने को लेकर बीजेपी नाटक नौटंकी बंद करे। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि जिला या शहरों का नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या, महंगाई खत्म हो जाएगी क्या, देश उन्नति करेगा क्या, आपको जो करना है करिए, केवल ये नाटक नौटंकी बंद करिए। असल में नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बीजेपी नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कब तक लुटेरे होशंग सा के नाम से होशंगाबाद को पहचाना जाए, जिस लुटेरे ने हमारे मठ मंदिर तोड़े, भगवान भोले के मंदिर भोजपुर का शिखर तोड़ा, उसके नाम से नगर का नाम मंजूर नहीं। बीजेपी नेताओं का कहना था कि जिस नर्मदा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के खेत लहलाते हो, उनके नाम से नगर पहचाना चाहिए। शिवराज सरकार ने पहले ही संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग रखा है, अब नगर का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा, ये गर्व की बात है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी में इन दिनों शहरों और ऐतिहासिक जगहों के नाम बदलने की मांग पर जमकर सियासत हो रही है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के नेता ऐतिहासिक जगहों और शहरों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। भोपाल का ईदगाह हिल्स, इकबाल मैदान, हबीबगंज स्टेशन और होशंगाबाद वो जगह है जिनका नाम बदलने की मांग इन दिनों जोर पकड़ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।